नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। एक बार फिर सवालों में है बिहार के एनजीओ की व्यवस्था और एक बार फिर सवालों में है नीतीश कुमार का समाज कल्याण विभाग। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद अब ताजा तरीन मामला है पटना के आसरा होम्स का। आसरा होम्स में क्या हुआ और क्या है संभावनाएं, बताएंगे आपको हमारे सहयोगी अमित जायसवाल। अमित, क्या हुआ है आसरा में? आसरा में हुआ ये है कि दो एक महिला जिसकी उम्र 40 साल और एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल, इन दोनों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। मौत वो भी उस दिन हुई है जिस दिन ये सुर्खियों में आता है, बात 10 अगस्त यानी शुक्रवार की है, जब ये बात सामने आई कि चूंकि आसरा होम्स राजीव नगर थाना के तहत 90 फीट इलाके में चलता है, तो मामला राजीव नगर थाने पहुंचा था कि वहां की लड़की भाग रही, बकू भगाया जा रहा था छेड़खानी में। पड़ोसी जो है एक राम, पहले ये बताइए ये जो आसरा होम है इसका पर्पस क्या था, किस तरह के लड़कियों को इस आसरा रखा जाता होम्स था? को मतलब ये जो अनुमाया ह्यूमन रिसोर्सेज फाउंडेशन है, इसको समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया गया था परमिशन मेंटली डिजेबल लड़कियों और महिलाओं के लिए, उनके मतलब रहने के लिए, उनके हेल्थ स्वास्थ्य खाने पीने हर चीज के लिए ये आसरा होम्स खोला गया था। ये अप्रैल 2018 में ही। तो यानी कुल मिलाकर के फिर से नीतीश कुमार का समाज कल्याण विभाग जो है वो सवालों के घेरे में है। हाँ, जिस तरह से ये घटनाएं आई हैं उस वजह से ये है घेरे में। घेरे में इसलिए भी है कि उसी दिन छेड़खानी का मामला सामने आता है। पड़ोसी कहते हैं कि ये जिस बनारसी ने पुलिस को जानकारी दी उसी बनारसी को छेड़खानी के मामले में जेल भेज दिया गया। ये कौन बनारसी कौन है? ये बनारसी अनुमाया, ये जहां पे आसरा होम्स चलता है उसके दक्षिण साइड में इसका घर है। ये एक ठेले पर आसियाना मोड़ के पास भुनिया बेचा करता था। इसने जो है पुलिस को जानकारी दी थी, पहले डायल 100 पे फोन किया था, बाद में थाने को फोन किया और कहा, बताया था कि भाई ये लड़की यहाँ से भाग रही थी, कुछ मामला है, कुछ लफड़ा है। उसने जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार है ये है कि बनारसी ने एक दो दिन पहले पूरे मोहल्ले के लोगों को नॉक करके, एक एक घर को नॉक करके इस बात की जानकारी दी थी कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, जिसके बाद ये बात अब सामने आ रही है कि मामले को दूसरा रंग दिया गया है बनारसी की गिरफ्तारी के रूप में, मतलब उसे झूठा फंसाया गया है छेड़खानी के मामले। यानी मेरी जानकारी अगर गलत नहीं है तो कुल 3 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, उस उन तीनों में एक ही बनारसी है। नहीं, ये बनारसी का वो मामले में केस अलग है, उस ये और ये केस बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो एक अलग केस था जो शुक्रवार को हुआ था छेड़खानी के केस में, उसे जेल भेज दिया गया। वो मामला शुक्रवार के दिन में आया था, लेकिन ये जो बात हुई महिला और लड़की की मौत का मामला, ये शुक्रवार की रात का है, लेकिन इसका ये बात सामने आती है रविवार की सुबह। ठीक है, जो कई घंटे बीत जाते हैं, पूरा शनिवार का दिन बीत जाता है और रविवार की सुबह ये मामला। यानी अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि शुक्रवार रात की घटना है, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल रही होगी और दूसरी महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी, ये शुक्रवार की शाम में इन्हें पीएमसीएच में ब्रॉड डेड लाया जाता है। पीएमसीएच के जो सुपरिंटेंडेंट है उनका ये कहना है कि जो इन दोनों महिलाओं को जिस वक्त पीएमसीएच लाया गया था तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि इस खबर को आते आते हमें हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मेरी बात चिरंतन से कल सुबह हुई थी मोबाइल पे। ठीक है, तो चिरंतन का कहना था कि मैंने लाया था दोनों को, जिनकी हालत बहुत बीमार मतलब खराब थी, बीमार हालत में लाए थे उनको, जिसमें से हॉस्पिटल पीएमसीएच पहुंचते पहुंचते महिला की मौत हो जाती है और लड़की को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, इलाज के दौरान उसकी मौत होती है पीएमसीएच में। अच्छा। लेकिन ये चिरंतन की शातिरगिरी जो है और उसका झूठ उस वक्त हवा हवाई हो जाता है जब सुपरिटेंडेंट का बयान आता है और पुलिस की जांच होती है। सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि पुलिस जो राजीव नगर थाना और आसरा होम्स, इन दोनों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। पुलिस को इस मामले की जानकारी कल हुई है, चाहते तो पुलिस कल नहीं रविवार को ठीक है, जबकि पूरा शुक्रवार की रात मौत होती है। शनिवार को मतलब ये क्या कहते हैं, पटना के जो सदर एसडीएम है चिरंतन का कहना था कि मैंने सदर एसडीएम और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, दूसरा जो समाज कल्याण विभाग के तहत ही आता है बाल संगठन, उसके जो
असिस्टेंट डायरेक्टर है दिलीप कुमार कामत, चिरंतन का कहना था कि मैंने उनको भी सूचना दे दी, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई, क्योंकि जब मौत हो गई है, संदिग्ध मौत है, तो इस मामले में तो जांच तो पुलिस को करनी थी, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई। और इसमें लापरवाही प्रशासनिक तौर पर भी होता है कि जब पटना सदर के SDM को ये सूचना थी, वो खुद मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं कि पोस्टमार्टम हो दोनों डेड बॉडी की, तो पोस्टमार्टम उस बीच में भी पटना पुलिस को जानकारी नहीं। पटना सदर के SDM को इस बात की जानकारी हो चुकी थी और उन्होंने इंक्वायरी के लिए एक मजिस्ट्रेट को बिठा भी दिया था ताकि उसके मजिस्ट्रेट फिर भी FIR दर्ज नहीं हुआ है। उस बीच में क्या है कि पीड़बहोर में आउटपोस्ट है, ओपी है वहां पे पीड़बहोर PMCH का, PMCH कैंपस में आउटपोस्ट है पीड़बहोर थाने का, वहां पे भी फर्द बयान वगैरह होता है, लेकिन उस बीच भी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को इस मामले की जानकारी नहीं दी गई। जानकारी मीडिया के माध्यम से हुआ और उसके बाद पटना के DM और SSP ये दोनों कल खुद जांच में जुटे, पूरा दिन जांच किए, पीड़बहोर थाने में चिरंतन से बेबी कुमारी सिंह जो वहां की आश्रम होम्स के स्टाफ है इससे लंबी पूछताछ हुई। ये बेबी कुमार सिंह है जो ये वो शख्स है जिसने दो महिला और लड़की को लेकर के वो पहुंची थी वहां पर PMCH लेके गई थी। ये लिख रहे बताया जा रहा है कि उसके ठीक एक दिन पहले भी मतलब 3-4 लड़कियों ने वहां ग्रिल काट करके भागने की कोशिश करी। ये वही मामला है जो जिसमें बनारसी को गिरफ्तार किया गया है। अमित, हमने हाल में देखा है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड हुआ वो भी काफी हाई प्रोफाइल था, कुछ ऐसा अंदेशा आपको भी लग रहा है कि ये भी हाई प्रोफाइल? हमारी जो पड़ताल है उस पड़ताल में एक बड़ी बात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि जो सोर्स के हवाले से है, ब्रजेश ठाकुर जो मुजफ्फरपुर कांड में जेल में है, उनका और चिरंतन और मनीषा दयाल, खास करके मनीषा दयाल, इन दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। उन रिश्तों के बारे में हम बात करेंगे, पहले जरा सा एक हल्का फुल्का बैकग्राउंड जो है मनीषा दयाल के बारे में बता दीजिए। मनीषा दयाल कौन है और पटना के Phase 3 में ये इतनी मशहूर क्यों रहती हैं? मनीषा दयाल पटना बिहार का जो राजनीतिक गलियारा है उसमें भी काफी फेमस है, कई राजनेताओं से इसके अच्छे संबंध है। कुछ IAS की वाइफ है, IAS अधिकारियों की, उनसे भी अच्छे संबंध है। इनका जो है बड़े बिजनेसमैन जो पटना है या बिहार के जो कहें उनसे, उनके साथ भी अच्छे संबंध है। इनके फेसबुक अकाउंट को जब खंगाला गया था तो फेसबुक अकाउंट में जो फोटोज थे वो फोटोज एक एक कर इनकी जो तरक्की कम समय में बयान कर वो बयान कर रही थी और कैसे ये Phase 3 में छाई रहती थी वो सब बयान कर रहे थे। हालांकि एक जानकारी ये दे दें कि यहाँ फेसबुक अकाउंट जो कल देर रात तक चल रहा था आज उसे सर्च किया गया तो वो डीएक्टिवेट हो गया है। मनीषा दयाल का फेसबुक अकाउंट जो है वो बंद है। ये सवाल तो ये भी होगा ना कि मनीषा दयाल अगर पुलिस की हिरासत में है, सेलफोन उनके पास में नहीं है, तो फिर उनके अकाउंट को ऑपरेट कौन कर रहा है? बिल्कुल, ये तो अब पुलिस के जांच का विषय है कि भाई ये कौन ऑपरेट कर रहा है। तो अब आप जो खुलासा करने जा रहे थे कि जो ब्रजेश ठाकुर हैं और मनीषा दयाल के भी प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, इसकी भनक आपको कैसे लगी? कई लोग इस मामले में लगे हुए थे जब फेसबुक अकाउंट और कुछ दूसरी जानकारी को जब खंगाला जा रहा था। उस बीच में प्रातः कमल 1 जून 2018 का प्रातः कमल का हिंदी मतलब जो हिंदी अंक है अखबार का उसका पेज मिला, उसमें यह थी कि जो 31 मई को पटना में पिंकिस फाउंडेशन जो इन्हीं का है मनीषा दयाल का है उसका एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम की खबर प्रातः कमल में पूरे खास तौर पर जगह दी गई थी, वो भी अखबार के फ्रंट पेज पर। पटना वाले में या मुजफ्फरपुर वाले में? मुजफ्फरपुर, उसमें खास तौर पर जगह दी गई थी, जबकि ऐसा होता नहीं है अखबारों में होता है कि इस तरह के कार्यक्रमों को अंदर के पेजों पे जगह दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वो जो मधुर संबंध है इनके उसकी वजह से ही पेज नंबर 1 फ्रंट पेज पे जगह दी गई। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप जो है ब्रजेश ठाकुर से मनीषा दयाल का कनेक्शन जोड़ कर देख रहे हैं, बिल्कुल जोड़ता दिख रहा है।
क्या लग रहा है ये जो जो तमाम एनजीओज हैं, इसमें हाल में ही नीतीश कुमार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं भी वहां मौजूद था, कि अब जो है एनजीओज को इस टाइप के जो शेल्टर होम बोले या फिर आप आसरा होम जो ये है जो मेंटली चैलेंज के लिए, आपको बताएं कि आसरा होम को चलाने के लिए करीब 72 लाख रुपए सालाना सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी राशि है, इसमें निग्लिजेंसी बहुत बड़े लेवल पे है, चूंकि ये जो राशि 72 लाख रुपए की दी जा रही थी ऐसे ही नहीं दी जा रही थी, जो मेंटली डिजेबल लड़कियां महिलाएं यहाँ रह रही थी वो बीमार रहती थी, उनके बीमारी उनके इलाज के लिए एक जो लड़की मरी है उसको तो हर 2 दिन पे ब्लड की जरूरत होती थी, वो ब्लड इन लोगों ने नहीं उपलब्ध नहीं कराया, ब्लड नहीं चल रहा। ब्लड की जरूरत थी लड़कियों को मगर वो एक लड़की को तो वो उपलब्ध नहीं कराया गया था, जो महिला थी वो भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, उसे भी इलाज सख्त इलाज की जरूरत थी। तो एक डॉक्टर और एक एएनएम जो इस केस में अभी फरार हैं, उनकी ड्यूटी थी वहां पर इनके देखरेख के लिए, लेकिन उन लोगों ने भी बड़ी लापरवाही बरती है। तो राजीव नगर थाने में जो कल एफआईआर हुआ है उस मजिस्ट्रेट के बयान पे हुआ है जिनकी अगुवाई में मौजूदगी में पीएमसीएच में पोस्टमार्टम होना हुआ है, तो उन्हीं के बयान पर ये एफआईआर दर्ज किया गया है पटना के राजीव नगर थाने में नेग्लिजेंसी का। अब उसी केस में अब ये दोनों डॉक्टर और एएनएम दोनों फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर करके पटना के इस आसरा होम के मामले में जो कि एक हाई प्रोफाइल मामला होता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो लिंक हो रही हैं मुजफ्फरपुर के ब्रजेश ठाकुर से। ब्रजेश ठाकुर के प्रगाढ़ संबंध बताए जा रहे हैं मनीषा दयाल से। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पटना पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती होगी इन चीजों को खोलने की, इन चीजों को कहीं ना कहीं परत उधाड़ने की, और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि मनीषा दयाल के लिंक्स जो हैं वो बिहार के किन किन पॉलिटिशियंस किन किन नेताओं के साथ सामने उभर के आते हैं। अपने सहयोगी अमित जायसवाल के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज पटना।